आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू एंड कश्मीर में भर भर के इन्वेस्टमेंट आएंगी, आ रही हैं, और कुछ भी हो, देखिए मैं समझता हूं कि वहां पे भी एनकाउंटर चल रहा, कल ही एनकाउंटर हुआ, और अभी ये बौखलाहट है कि इतने सारे हमले हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो पक्की बात है कि कश्मीर डेवलप हो रहा है, टूरिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो मुरलीधरन से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात का MR, हर कोई कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर क्यों चुना जा रहा है, एक तो बहुत स्ट्रैटेजिक है, सेकंड पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है और ट्रेड के लिए मुनासिब है। भाई कश्मीर एक समय पर, मेरा बड़ा मन है कि मैं पूरा शुरुआत से कश्मीर का इतिहास कवर करूं, ठीक है ना, पिछले 2000 सालों का। तो अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो कश्मीर में एक लर्निंग सेंटर था, यहां पे लोग पढ़ने आते थे, यहां पे आदि शंकराचार्य आए, यहां पे मतलब आप ये समझिए कि इट वॉज अ लर्निंग सेंटर। और क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, हिमालयन, खूबसूरत हिमालयन रेंजेस अपर हिमालया में, तो इसी वजह से कश्मीर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और टूरिस्ट भाई, जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतनी ही शॉपिंग बढ़िया, उतना ही माल बिकेगा। तो कश्मीर पूरे भारत में एक ऐसा, अभी तक तो काफ़ी अनस्टेबल था, लेकिन अब जब स्टेबल हुआ है तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जयपुर में, जो भारत का जयपुर है, फिर आगरा, जयपुर में बहुत टूरिस्ट आते हैं, आगरा में ताजमहल की वजह से आते हैं। सबसे ज़्यादा एक शहर में अगर टूरिस्ट जाता है तो जयपुर है, बट उसका रिकॉर्ड अब कश्मीर तोड़ेगा, क्योंकि 100% टूरिज्म रेट। मैं खुद दोस्तों कश्मीर गया हूँ, मैं पिछले के पिछले साल गया था, मैंने इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। कश्मीर और मेघालय, ये दो मेरी फेवरेट लिस्ट में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो मुरलीधरन से लेकर, इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, मुरलीधरन से लेकर MR तक हर कोई लैंड जो है वो सेटअप कर रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों SID30 कूपन कोड यूज़ करिए और कोर्सेज अवेल करिए, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, स्टडी ग्लोब्स का डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट। तो अब मुदैया मुरलीधरन कौन है, हम सबको पता है, श्रीलंकन स्पिनर। वीरेंद्र सहवाग कहते थे कि सिर्फ एक बॉलर ऐसा था जिसको मैं पढ़ नहीं पाता था, वो थे मुदैया मुरलीधरन, सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले मुदैया मुरलीधरन, लेजेंडरी स्पिनर। अब तो बड़ा दुख होता है श्रीलंकन क्रिकेट टीम का ये हाल देख के, बहुत बुरी हालत, लेकिन एक समय पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम कमाल की होती थी, लेकिन अब तो सब खत्म ही हो गया उनका, दोबारा से उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। भारत की जो कांधारी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड है, वेल्सपन ग्रुप, तो जम्मू कश्मीर ने बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, लेकिन मुझे लगता है अब जैसे सितंबर 30 तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि सितंबर 30 तक आपको इलेक्शन करवाने हैं कश्मीर में, कोशिश करिए कि अगस्त में करवा दें। अब इतनी जल्दी कैसे होगा, आप अनाउंस करिए, जुलाई जुलाई में अनाउंस करिए, अगस्त में इलेक्शन करवाइए, सितंबर तक वेट ना करिए, इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, 370 तो ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पे बोला भी गया था कि बहुत लंबे समय तक हम इसको यूनियन टेरिटरी नहीं रखेंगे, है ना। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की है कि अलॉटमेंट होना चाहिए लैंड का। हालांकि लद्दाख में आपको पता है कि सोनम वांगचुक लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, वो कह रहे कि एक तरफ हमारी ज़मीन इंडस्ट्रियलिस्ट लेते जा रहे हैं, एक तरफ हमारी ज़मीन चाइना लेते जा रहे हैं, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। और मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि सरकार ने उनसे संवाद नहीं किया, सोनम वांगचुक जैसे आदमी से, तो क्या ही बोलें अब। तो लैंड जो है ताकि हम अपने वेंचर्स को सेटअप कर सकें, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इतना 1.3 लाख करोड़। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, इतिहास गवाह है, या इतिहास क्या वर्तमान भी गवाह है, अगर आप कोई भी देश देख लो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है करने को, तो क्या करेंगे। पत्थरबाजी की घटना इसीलिए हो रही थी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट था, जो नौकरियाँ थी वो आ नहीं रही थी, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है, अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो जो एनर्जी है वो अलग जगह चैनलाइज होगी, और हर किसी को इज्जत से रहने का, अमीर होने का अधिकार है। तो 3 जुलाई की अगर बात करें तो देखिए कितनी एप्लीकेशन आई है, 6909, लगभग 7000 एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी हैं। एक मेरे जानने वाले उनसे बात हो रही, तो बोले थे यार देखो मैं कश्मीर में इसलिए भी बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ कि मेरा कश्मीर आना जाना लगा रहेगा, है ना, तो इसलिए भी लोग थोड़ा सा चाह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अच्छी बात है। और जैसे ही ये विंडो खोली कि आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए, कौन कौन बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसके बाद जो लैंड है वो भाई लिमिटेड ही है, ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह ही जाके, पता चला गुलमर्ग गए हो तो पूरी पहाड़ी को काट के आपने मॉल बना दिया, ऐसा तो होगा नहीं वहाँ पे।
तो लैंड लिमिटेड है, अभी देखना पड़ेगा किसको ऑनर किया जाएगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक स्टैब्लिश सिस्टम स्टैब्लिश किया है इन प्रपोजल्स का। तो ये जो प्रपोजल्स हैं अभी तक 51,594 करोड़ तक आ गए हैं, ठीक है ना, जम्मू डिवीजन में, और 41,633 करोड़ तक आ गए कश्मीर डिवीजन में। जम्मू में अगर बात करें तो आपको पता अभी बहुत एक दुखद घटना हुई थी जब आतंकी हमला हुआ था, और ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। इससे क्या होगा ना, पीओके भी खत्म होगा, पीओके के लोग यहाँ आएंगे, जैसे जर्मनी में हुआ था 1945 के बाद 1960 में एक जर्मन वॉर खड़ी हो गई थी, इधर वेस्ट जर्मनी था, इधर ईस्ट जर्मनी था। वेस्ट जर्मनी क्योंकि यूरोप अमेरिका का साथ वेस्ट पार्ट में, तो वेस्ट जर्मनी बहुत डेवलप हो रहा था, ईस्ट जर्मनी इतना डेवलप नहीं हो रहा था, तो ईस्ट जर्मनी से लोग यहाँ भाग के आने लगे, जिसकी वजह से वॉर ढह गई। ऐसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होगा, आप देख लीजिएगा, जब इतना डेवलपमेंट करोगे ना, लोग वहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ इतने हॉस्पिटल हैं, वहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे पैसा अच्छा खासा मिलता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पर क्या गोली मिलती है, तो लोग यहाँ से फांद के आएंगे। तो जम्मू की अगर बात करते हैं तो 1902 एप्लीकेशन जम्मू में थोड़ी सी कम जो है वो यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। टोटल लैंड रिक्वायरमेंट है 39,484, यानी कि कितना, लगभग 4,935 कनाल जो है वहाँ पे मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो 4,935 एकड़ के करीब इतना टोटल लैंड है। ज्यादातर कहां पे डिमांड है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। क्यों भाई, बगल में पंजाब है, उसके बगल में हिमाचल प्रदेश है, तो कठुआ से एकदम वो बॉर्डर पे है ना, तो जो बॉर्डर पे है भाई पंजाब इंडस्ट्री, भाई पंजाब में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, हिमाचल प्रदेश में भी, तो जो भी बॉर्डर पे राज्य होते हैं या जो बॉर्डर पे शहर होते हैं ना, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आसान रहता है ना, आपको बहुत ही डीप पेनिट्रेट नहीं करना पड़ेगा। कश्मीर में आप देखिए लगभग 5,007 एप्लीकेशन, तो टोटल 6,909 हो गए, तो 5,007 हर कोई कश्मीर भागना चाहता है, जम्मू में थोड़ी सी कम है। तो मीडियम और स्मॉल वेंचर्स, लार्ज वेंचर्स यहाँ पे आ नहीं सकते, लार्ज वेंचर जम्मू में ही रहेंगे, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल वेंचर्स हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन है। कल ही मैंने लेक्चर लिया था कि भारत दो भागों में बढ़ सकता है, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो भारत की प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट से सबडक्ट होती जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हिमालय और बड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई थी। तो टोटल लैंड रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं लगभग 3,671 एकड़ इनकी टोटल लैंड रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा है। अब बोलेंगे सर एप्लीकेशन कम है जम्मू में लैंड रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जम्मू में बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएंगे, कश्मीर में क्योंकि स्मॉल और मीडियम है तो इतनी लैंड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। कश्मीर में सिनेमा हॉल होगा, मॉल्स होगा, और भाई देखो सिनेमा से बढ़िया कुछ नहीं है, कश्मीर को एक सिनेमा हॉल चाहिए, सिनेमा से अच्छा कुछ नहीं है। आप पूरे देश को कनेक्ट कर दो, क्रिकेट, धर्म और सिनेमा, ये तीन चीज़ें पूरे हर किसी को कनेक्ट करते हैं, मज़ा आ जाएगी। तो ये जो वेंचर्स हैं ये कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, लगभग 5,04,000, अगर अप्रॉक्सीमेट वर्ड्स की बात करें, मतलब टोटल वर्ड्स एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, तो 4,69,545 पीपल, कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। और 2,17,760 जम्मू में होगा, 2,51,785 कश्मीर में होगा, यानी कि जम्मू में क्योंकि इंडस्ट्री है ज्यादा और कश्मीर में, दोनों ही जगह इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और अगले एक साल में आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो है वो जमीन पे आ जाएंगे। तो पिछले साल, मतलब पिछले एक सालों में लगभग 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू डिवीजन में आया है, जिसमें 15 लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, इसका इन्वेस्टमेंट है लगभग 14,500 करोड़। कठुआ, क्योंकि कठुआ मैंने बताया पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, तो यहां पे आपको ज्यादा देखने को इन्वेस्टमेंट मिलेगा, राइट। तो ये चीज है। बाकी प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते हैं, श्रीनगर को पूरा का पूरा मॉडिफाई किया जाएगा, डल झील को पूरा का पूरा मॉडिफाई किया जाएगा, मीना बाजार, मुरलीधरन की कंपनी और स्पिनर, क्या बात है, सीलोन बेवरेजेस, उनको 206 कनाल्स जो हैं वो अलॉट किया गया है, 1600 करोड़ एल्युमिनियम कैंस मैन्युफैक्चरिंग और बेवरेजेस फिलिंग कठुआ में स्टैब्लिश की जाएगी मुरलीधरन द्वारा, क्योंकि ये बेवरेज कंपनी चलाते हैं। आपको पता है ना कि ज़्यादातर क्रिकेटर्स की खुद की कंपनी होती है, बहुत पैसा है उनके पास, विराट कोहली की कितनी कंपनी है, इतना इन्वेस्टमेंट है, उनका रेस्टोरेंट चलता है, उनका पता नहीं क्या क्या, उनके शूज़ चलते हैं, उनकी क्लोदिंग लाइन चलती है, बहुत कुछ चलता है, और ऐसे सारे क्रिकेटर्स के सब पास है, वो स्टार्टअप में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और उनका विराट कोहली का अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी है। तो आप देख सकते हो ना कि अगर एक आदमी सक्सेसफुल हो गया तो ब्रांड बन जाता है और दूसरों को भी बना देता है। लीज डीड जो है वो 14 जून तक इट विल बी एग्जीक्यूटेड,
भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको हम ज़मीन बेच के चले जाएंगे, लीज पे ली जाएगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको ज़मीन देंगे। और उसके बाद सॉइल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो पहाड़ी एरिया भैया बनाए बिल्डिंग धस जाए, तो सॉइल टेस्टिंग भी हो रही है, ठीक है ना। अब अगर हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो यह अभी तक सबसे बड़ी बेवरेज प्रोसेसिंग फिलिंग और एक्सपोर्टिंग एंटिटी है श्रीलंका में, जो कि मुरलीधरन ने एस्टैब्लिश की। बट ऑब्वियस है मुरलीधरन इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन श्रीलंका, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फिलिंग सर्विसेज क्लाइंट्स को देंगे, जैसे कोका कोला और नेस्ले। अब इसका मतलब यही है कि जैसे मेरे पास अपनी फैक्ट्री नहीं है, या मैं अभी कोका कोला नहीं, मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाता, तो होता क्या है, जैसे प्रोटीन्स के साथ होता है, भारत में प्रोटीन बाहर से नहीं आते हैं, आपको लगता है इम्पोर्ट है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है यहाँ पे, ऑन के नाम से कोई दूसरी कंपनी ये जो है वो प्रोटीन बना रही है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। कंधारी बेवरेज, इनको लगभग 288 कनाल्स जो है वो दिया गया है। ये 1100 करोड़ का पेट बॉटलिंग प्लांट जो है वो लगाएंगे, और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 2025-26 तक लग जाएगा। आप ये समझिए कि अगले 5 सालों में 2030 आते हैं तो कश्मीर को पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वेल्सपन ग्रुप जो है, सिंटेक्स जो वाटर टैंक्स बनाती है, और हल्दीराम जो है उनको भी लैंड दिया गया है कठुआ में। इन्वेस्टमेंट कितना 850। खैर मैं जब वहाँ वैष्णो देवी गया था तो हर मतलब ये जितने भी आउटलेट्स हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत सस्ते में, तो वो सब आपको वहाँ पे मिले। 585 करोड़ जो है वो लगाए गए हैं, ओके। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे हल्दीराम की बात करें, तो ये तो रेजिडेंशियल कॉलोनी भी बनाना चाहते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि दिक्कत ना हो, वहीं पे लोग रहें। ब्लूम टेक्स जो कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लगभग 300 करोड़ का यूनिट बनाएंगे, और इसका पहला फेज जो है वो दैट इज़ ऑलरेडी बिगिन। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान रहेगा वो है यूएई की एमआर, सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। अब भाई जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, जिन्होंने पूरे यूएई को बदला, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप देखते हो ना दुबई में, देखिए यूएई जो है, आप इसको ऐसे देखो, यूएई गल्फ कंट्री का सबसे अमीर देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात, 7 अमीरात है, ये एक पूरा देश है जो 7 में डिवाइडेड है, समझ रहे हो। जैसे भारत है, भारत में 28 राज्य हैं, वैसे यूएई में 7 अमीरात से, राइट। अब ये दे आर डिवाइडेड। अब उसमें जो दुबई अमीरात है, उसका एक शहर है दुबई, सबसे इंपॉर्टेंट, जो दुबई अमीरात सबसे ज्यादा डेवलप्ड वही है। तो यहां पे ये जो एमआर कंपनी है, ये भी कंस्ट्रक्शन के लिए, भाई ये मॉल वॉल बनाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो शॉपिंग मॉल यहां पर बनाया जाएगा, और आईटी टावर श्रीनगर में बनाया जाएगा, और दूसरा आईटी टावर ये जम्मू में बनाएंगे, जो कि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कठुआ का जो डिस्ट्रिक्ट है घाटी में, मेरा अवार्ड गिर गया, ओके, ठीक है ना, वहाँ पे भी फुल्ली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट हमको देखने को मिलेगी। 2021 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए कश्मीर के लिए, वहाँ पे ये डिसाइड हो गया था कि जम्मू कश्मीर, स्पेशली जम्मू में इंडस्ट्री लगाई जाएगी, वही इंडस्ट्री का आउटपुट जो है वो कश्मीर में आएगा। तो एक तरीके से चेंज शुरू होगी, बस मुझे डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भयानक डेवलपमेंट में कश्मीर का भी, जो आप उत्तराखंड या हिमाचल का जैसा हाल है वो हो जाए, ऐसा ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आएंगी, पेट फॉर्म, BOPP, श्रिंक फिल्म्स, पैकेजिंग, टेक्सटाइल एंड बेवरेजेस, ये सब जो है यहाँ पे आएगा। लैंड, जमीन सबसे इंपॉर्टेंट, तो रावी रिवर जो लैंडस्केप है पंजाब के बगल में, कठुआ नदी यहाँ पे आ रही है, इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की पड़ती है, तो पानी की फुलफिलमेंट होगी, और ये पेरिनियल रिवर्स हैं, क्योंकि हिमालय से निकल रही हैं, तो ये सालों साल इनमें पानी रहता ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने लैंड मांगा है ताकि एक लॉजिस्टिक पार्क को बनाया जा सके, तो लगभग 810 कनाल जो हैं वो विजयपुर में मांगे गए हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1 अप्रैल 2021 में कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिसमें यही था कि भाई आप एप्लीकेशन दो, पैसा बताओ कितना लगाओगे, बाकी लैंड ज़मीन हम आपको दे देंगे, जो हमसे होगा हम बन पड़ेंगे, आप बताओ आपका क्या प्रपोजल है। तो इसमें सब्सिडीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडीज़, अगर आप पैसा खर्च करोगे तो हम आपको अनुवृत्तियाँ देंगे, सरकार आपको सब्सिडीज़ देंगी बहुत सारी चीज़ों पर।
जीएसटी में एग्जेम्पशंस मिलेगा। प्लांट और मशीनरी लगा रहे हो, जो आप परचेस कर रहे हो, तो उसमें आपको कम जीएसटी जो है वो देना पड़ेगा, और लोन्स जो है वो हम आपको देंगे वर्किंग कैपिटल पे, राइट। तो इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। 2021 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए, बोला कि भाई कहीं चलना है तो कश्मीर में ही चलना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो कश्मीर में ही करना है, तो जितना हो सके लैंड ले लो, जितना मिल रहा है। तो एक होड़ सी शुरू हो गई है, तभी इतनी सारी एप्लीकेशन आई हैं। आप समझ रहे 6909 एप्लीकेशन, ये काफ़ी बड़ा है। 5000 कनाल जो हैं पंजग्रेन में, और 400 कनाल जो हैं वो गुड़ा स्लाथिया जो कि सांभा में है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, ताकि आप ये लैंड जो है वो इन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दें। मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है श्रीनगर और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये पूरे कश्मीर को बदलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से लेकर हमारी जीडीपी को भी बढ़ाएगी। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये एक बड़ी बात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।